हरे कृष्णा। आज हम बैठ के किए जाने वाले कुछ आसन को करेंगे और उनके लाभ को भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो बैठ के किए जाने वाले आसनों में हम सबसे आसान आसन करेंगे। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो बैठ के किए जाने वाले आसनों में से सबसे पहले हम सुखासन। सुखासन से तात्पर्य सुख की प्राप्ति। हम जिस भी आसन में बैठे उस आसन को अगर हम लंबे समय तक बिना किसी तनाव के बैठे हुए हैं तो उसे हम सुखासन कहते हैं। लेकिन प्राचीन समय में सुखासन से तात्पर्य पालथी मार कर बैठने से है। तो चलिए हम सुखासन करते हैं। तो सुखासन के लिए सबसे पहले तो हमें दंडासन में आना है। दंडासन में आप इस तरीके से अपने दोनों पैरों को सीधा करेंगे। हमारी जो गर्दन है, हमारी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये जो है ये दंडासन की स्थिति है। दंडासन की स्थिति के बाद हम सुखासन करेंगे। सुखासन के लिए हम अपने दाएं पैर को मोड़ेंगे और दाएं पैर के पंजे को अपने बाएं पैर के थाई के नीचे लगा देंगे। अब हम अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे और बाएं पैर के पंजे को हम दाएं पैर के थाई के। अब हम अपनी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे। हाथों को आप ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं या आसमान की तरफ ऐसे खुला रख सकते हैं। श्वास सामान्य गति से चलेंगे। ये जो स्थिति है ये सुखासन की स्थिति है। अब हम इसके लाभ को जानते हैं। सबसे बड़ी लाभ तो इसमें ये है कि अगर आप थके हुए हो, लंबे समय तक खड़े रहे हो और थक गए हो तो आप इस आसन को ग्रहण करके आप रिलैक्स फील कर सकते हैं। साथ ही हम इस आसन को ग्रहण करके भोजन कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं जब भी कोई पूजा होता है तो हम पालथी मार करके ही बैठते हैं, भोजन भी करते हैं, तो हम ये आसन ग्रहण करके भोजन करते हैं। एक तो हमारा खाने का पाचन जो होता है वो अच्छे तरीके से होता है, इसीलिए बैठ के खाना नीचे बहुत अच्छा माना जाता है। आगे हम इसके और लाभ के बारे में जानेंगे। साथ ही इस आसन को धारण करके आप प्राणायाम कर सकते हैं। साथ ही सुखासन की सिद्धि के बाद हम और भी आसनों के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे कि पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, क्योंकि इससे हमारा जो थाई है और हमारी पिंडलियाँ दोनों स्ट्रांग होती हैं और साथ ही हमारा जो कमर है उसे भी रिलैक्स फील होता है। तो इसलिए सुखासन को अपनी क्षमता अनुसार जितना 2 मिनट 10 मिनट आप जितना कर सकते हो उतना ज़रूर करें। अब हम ये जानेंगे कि किसे नहीं करना चाहिए। जिसने हाल ही में कोई ऑपरेशन करवाया हो, सर्जरी करवाई हो, उसे कुछ टाइम बाद अब कर सकता है। साथ ही जिसके अगर नी में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, उसको ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए। थोड़ी देर रिलैक्स करके फिर उसके बाद से सुखासन, फिर रिलैक्स, फिर सुखासन। और अगर आप सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तब आप सुखासन में बहुत ही आराम से लंबे समय तक बैठ सकते हैं। अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। मिलती हूँ एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।